चले मम, मेरा पेपर है, मैं जा रही हूँ स्कूल, ठीक है? अरे एक आध दिन तो रुक जाती, नई नवेली दुल्हन हो। भाभी बता रही ना, पेपर है उसका। अच्छा अच्छा जल्दी से आ जाना, दोस्तों में मत बैठ जाना है नहीं जाके। अच्छा अरे ये क्या, नई नवेली दुल्हन और ऐसे मुंह भर सर झाड़ खड़ी है? तो पप्पा मैं स्कूल जा रही हूँ एग्जाम देने के लिए, किसी शादी में थोड़ी ना जा रही हूँ। जहां भी जा रही हूँ, लेकिन ऐसे नहीं जा सकती। चलो आ मेरे साथ। ऐसे नहीं जा सकती तुम बाहर। मां लाओ हाथ दो। शादीशुदा लड़की ऐसे बाहर नहीं जाती, बस छुगनी होती है। वे आप क्या कर रही हैं? क्या बोलेंगे कि लड़के वाला ने कुछ भी दिया, लड़की को ऐसे भेज दिया? पापा आप खुद पता है मैं कैसे दूंगी पेपर उसने। ज्यादा नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है, वरना बुलाओ तुम्हारी अम्मा को। अरे नहीं नहीं किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। नहीं बेटा, पप्पो जो कह रही है करो। ठीक है, अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो फिर एग्जाम से भूल जाओ, क्योंकि ऐसे तो मैं तुम्हें हरगिज नहीं जाने दूंगी। शाबाश भाभी। मैं चाय रखी है, देख कर आती हूँ। हाँ इतनी अच्छी लगती है। इधर देखो, मेकअप की तो जरूरत नहीं है ना? नहीं बहुत जरूरत है, बिल्कुल। इतनी प्यारी लगती हो, अब सही लग रहा है। पता चलना चाहिए ना कि अभी तुम्हारी शादी हुई है, जेवर नहीं पहनोगे तो कैसे पता चलेगा? पेपर नहीं दे पाऊंगी, इनकी आवाज बहुत ज्यादा है। कुछ नहीं होता, आवाओ दिल है मिया। ये आज से तुम्हारा नया नाम। इसका जाया तू तो चुप हो जा। जी सुनते हो दुनिया के अब्बा, एनी तुम आ गई, मुझे तो लगा तुम पेपर ही छोड़ दोगी। पेपर जैसे छोड़ सकते हैं? तो नहीं दी, एग्जाम देने आई हो या शादी में आई हो? बकवास ना करो, इसकी अभी अभी शादी हुई है, तैयार नहीं होगी क्या? इनकी बातों पर ध्यान नहीं दो। नन्नी तो देखो जरा, नन्नी ने दुल्हन आ गई। अरे देखो देखो, नन्हे से दुल्हन आ गई। अकेली मायरी, नन्हे दुल्हन आ गई। इसी तरह तुम्हें तो लगा नन्हे दुल्हन की ओर कहीं कह रही हो? सहेली मायरी, दुखों की सहेली कागजों की कश्तियों में बचपन को तैरना था, हम में खो गए क्यों मायरी। आप अपने पेपर पर फोकस करें, छोड़े इन सबको। समझ नहीं आई बात? कांटों पे सो गई तेरी जिंदगी, हर फर्श पर आदर्श पर जीना महाल है। सही कह रही हो तुम।
ये लो। आवाज थोड़ी सी ना, आवाज थोड़ी सी बस, ज्यादा नहीं, दो बोल्ट ले लो। अरे अरे ये तो ज्यादा ही हो गया, जजाक। आयशा ये लो भाई, एनी को खाना डाल के दो। पाखिर का है वो बाहर गया हुआ है। क्या मतलब, ये क्या तरीका है बात करने का? बाहर गया हुआ है, बाहर गए हुए हैं, ऐसे बात करते हैं? बेटे सर इज्जत से पाखिर का नाम लीजिए। जी वो बाहर गए हुए हैं। ये बातें पहले से सिखाने की होती है आयशा, और ये तुम उसके इंतजार किए बगैर कैसे आके बैठ गई? उसके साथ खाना नहीं खाओगी? अरे अम्मा छोड़े ना, वो आएगा तो खा लेगा, आप बिस्मिल्लाह करें बस। ये क्या बात है बोलो भाई, जब तक शौहर के हलक से निवाला ना उतरे जब तक बीवी खाने की तरफ देख भी नहीं सकती। इस तरह तो न जाने हम यानी कितने भूखे रहते। क्या? कुछ नहीं अम्मा। वाह वाह वाह, शाबाश है बेटा, शाबाश। यही सिखा रही हो बेटी को तुम है? आजकल की माँ ऐसी है, जब तो बच्चों में तमीज नाम की चीज नहीं है। ऐसा क्या हो गया माँ, जाने देना, अब खाना खाए। भाई भाभी भी तो आपके लिए भूखी जागती रही है, आप काम से आते थे तो गरम गरम रोटी बना के देती थी आपको। भाभी ने भी सारी जिंदगी यही किया है, हम सब ने भी यही किया है। अब जमाना बदल गया है ना, और वैसे भी इसको भूख लगी होगी, कितनी देर भूखी रहेगी? ऐसा भी कोई जमाना नहीं बदल गया भाभी, हमने तो आज तक अपने शौहर के बगैर खाना नहीं खाया। ऐसी तो कोई बात नहीं है, आप सब इतने दिनों से आए, मैंने तो किसी को नहीं देखा किसी के इंतजार में भूखा बैठे हुए। तुम मेरे मायके में रहने के दिन गिन रही हो? नहीं नहीं पुप्पो, वो मैं बेटा नहीं नवेली दोनों की कुछ तौर तरीके होते, वो नहीं सीखे तो क्या हुआ, जबान तो बड़ी अच्छी चलाना सीखी। चल खान भी, क्या तुम लोग लाई का बाहर सुकून से खाना तो खाना। तो क्या गलत कह रही हैं? है हमारे ख्याल भी दकैन उसी हैं, तो क्या पूरे सारे रस्म रिवाज को छोड़ देंगे, तौर तरीकों को छोड़ देंगे, सारे अदब अदाब भूल जाएंगे? है जाओ बेटा, जाके उसको फोन करो, उसको कहो फौरन घर वापस आए। जाओ, इस वक्त तक उसको घर होना चाहिए था, तंग कर रखा है इस लड़के ने। जाओ शाबाश। चलो भाई खाना शुरू करो, लाओ मुझे रोटी दो। अरे देखो देखो, नन्ही सी दुल्हन आ गई। कौन छोड़ के गया तुम्हें? तुम्हारा हस्बैंड? नहीं, तुम्हारा हस्बैंड क्या है, जरा मैं भी तो देखूं। अगर हमें ऐसे तैयार होने की आने की इजाजत मिल जाए ना, मजा आ जाए। ढंग से देखो, चुनके तो देखो, ऐसे तैयार होके आए हो जैसे तब शादी में या पार्टी में आए हो किसी। एनी तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्लास अटेंड करनी? देखो लिपस्टिक देखो, इसे डार्क डार्क। वाह यार, वो तो मैं उसके कपड़े उठा के चलूं कहीं गिर न जाए। अरे जाओ दोनों, क्या मतलब क्या हो गया हमें? क्या हम तो एंजॉय कर, हम तो एंजॉय करने आए, वैसे भी वो हमारी सहेली है। जाओ अपनी अपनी क्लासेस अटेंड करो, अगर संभाल के लेके जाना गिर ना जाए आपके दोनों। प्रिंसिपल मैम बुला रही हैं। जाओ जाओ जाओ, चलो जम के ना गिर, चलो हमें बेटे क्लास में जाना।